चापंडी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिहोराबाजी के रास्तों में कीचड़ व गंदगी के अंबार होने से ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने समय रहते रास्ते ठीक न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य रास्ते से गांव के अंदर जाने वाले रास्ते में पानी भरा रहने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इस बाबत ब्लॉक के अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। रास्ते में गंदा पानी भरा रहने से ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि रास्ते में गंदा पानी भरा रहने से संक्रमण रोग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बच्चों में भी कोरोना महामारी के फैलने का खतरा हो गया है। अनेक बच्चे संक्रमण रोग से पीड़ित हैं लेकिन इनकी परवाह ब्लॉक अधिकारियों को नहीं है। उधर ग्राम प्रधान का कहना है कि हमारी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी नहीं है। मैंने कई बार ब्लॉक स्तर पर सफाई कर्मचारी के लिए ब्लॉक अधिकारियों से कहा है कि गाँव के अंदर गंदगी के अंबार होने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है, पर अभी तक ब्लॉक स्तर से सफाई कर्मचारी की गांव के अंदर तैनाती नहीं की गई है। और प्रधान ने कहा है कि जो गांव का रास्ता है उसे कार्य योजना में शामिल किया गया है, स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सर कहाँ के निवासी है? अच्छा, क्या मामला, कैसे बच्चे बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पर? क्या सर, जब नालियों की सफाई वगैरह नहीं हो रही, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, तो नालियों की सफाई प्रधान जी से भी कह चुके हम, मगर प्रधान जी ने भी कहा तो मगर कोई सफाई कर्मचारी आ ही नहीं रहा है, इसीलिए बीमारी फैल रही है। डेंगू बुखार मलेरिया सब चल रहा है, घर घर में बच्चा बीमार पड़ा है। आप क्या चाहते हो? सफाई करते सर, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, घर गाँव की सफाई हो जाए, सही करके नाली वगैरह सफाई हो जाए। अच्छा, स्कूल बच्चे जा रहे हैं जाऊँ, जैसे उन्हें परेशानी पड़ रही है, परेशानी पड़ रही है, जाकर आप उधर रोड पर देखिए, सब पानी भरा पड़ा, उधर बच्चे जाते हैं, सन जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं सारे बच्चे, सब कपड़े वगैरह उनका ड्रेस वगैरह सब स्कूल में पहुँचते पहुँचते खराब हो जाता है। बहुत गंदगी है सर गाँव में हमारे। ठीक सर, मेरा नाम चरणदास, मैं सिलवा ग्राम प्रधान हूँ। मैंने एडीओ साहब से कई बार कहा था कि हमारे गांव में सफाई कर्मी नहीं है कोई भी, हमें सफाई कर्मी मिलना चाहिए, तो एडीओ साहब बोले अभी हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है जी। बीडीओ साहब को दिया लिख के हमने, बीडीओ साहब बोले कि सफाई कर्मी मिलेगा भी देंगे, सफाई कर्मी अभी है नहीं। मंदिर मस्जिद पे जाने का रास्ता, मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, उनके कपड़े सन जाते हैं रास्ते में, गंदे हो जाते हैं कपड़े, और आगे मंदिर है, मंदिर पर वो जाते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, यही है। सफाई कर्मी मिलना चाहिए हमें। कब से नहीं हुई सफाई यहाँ पर? सफाई हमने 3-4 बार हमने अपने पास से कराई है मजदूर लगा के। अच्छा, हाँ 3-4 बार करा चुके हैं गाँव की, मगर बारिश की वजह से सफाई गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अधिकारी हैं क्या आश्वासन देते हैं आपको? बी डी ओ साहब हमसे कह देंगे, अभी हमने भेज दिया लेटर ऊपर को डी पी आर ओ साहब को, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ से आएगा तो हम बताएंगे। जितने भी काम कार्य करा रहे हो आप अपने अपने पास से करा रहे हो इस टाइम? हाँ, सफाई का काम जो भी हम अपने पास से करा रहे हैं। अपने पास से करा रहे हो?